हाय फ्रेंड्स, देखिए इसमें बेस बाइसिंग वोल्टेज चेक करना है। एक सब्सक्राइबर ने भेजे हुए हैं ये वीडियो। वो इमीटर और कलेक्टर चेक करते हैं, बेस भी चेक करते हैं, उसका कंटिन्यूटी बता रहे हैं कि 10 वोल्ट आ रहा है बेस पर। तो 10 वोल्ट क्यों आ रहा है? 10 वोल्ट आने का मतलब है कि आपका बाइसिंग वोल्टेज ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट कर रहा है। तो जो 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मान लीजिए 10 वाट में लगाए 100 ओम, तो उसको 5 वाट 100 ओम कीजिए, क्योंकि वाट ज़्यादा होने से पॉजिटिव वोल्टेज का एम्पियर ज़्यादा देता है जो रेजिस्टेंस लगा होता है 10 वाट का 100 ओम में। तो वाट कम कीजिए, और जो निगेटिव से लगा है 2.2 ओम 5 वाट, उसको 5 वाट ही रहने दीजिए, और जो पॉजिटिव से लगा है 100 ओम 10 वाट, उसको 5 वाट कीजिए या फिर 3 वाट कीजिए। अगर जितना बड़ा और मोटा होगा पॉजिटिव 100 ओम का रेजिस्टेंस, उसका वाट ज़्यादा होगा, तो वोल्टेज बाइसिंग ज़्यादा बनेगा और पावर ट्रांजिस्टर हीट होकर जल जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, रेजिस्टेंस मैनेज करने का वैल्यू समझ में आया।